अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम आमिर है, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है, हमारे मोहल्ले में एक लड़के ने शादी की है एक सिख लड़की के साथ, वो भी कोर्ट मैरिज, और उसने इस्लाम भी कबूल किया है। क्या वो निकाह जायज़ है या नाजायज़ है? ये एक भाई साहब का सवाल है। इनका कहना है कि कोई शख्स मुसलमान हुआ है लेकिन उसने शादी की है नॉन मुस्लिम लड़की से, तो क्या ये दुरुस्त है? तो देखिए, कतन दुरुस्त नहीं है। सूरह बकरा की आयत है, सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 221। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, कि मुशरिक खवातीन से, मुशरिक औरतों से शादी ना करो जब तक वो ईमान ना ले आए। वला अमतु मुमिना खैरु मिन मुशरिका, और मोमिन लौंडी ये बेहतर है मिन मुशरिका, मुशरिका औरत से। वलव आजबत कुम, गरचे ये मुशरिका औरत तुम्हें भा जाए, अच्छी लगे। तो ये बहुत क्लियर है कुरान में, सूरह बकरा सूरह 2 आयत 221 में, कि कोई भी मुसलमान शख्स किसी नॉन मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता है। एक्सेप्शन है तो वो अहले किताब से मुतल्लिक है, कि अहले किताब की खवातीन से एक शख्स मर्द शादी कर सकता, उल्टा नहीं बल्कि मर्द उनकी खवातीन से शादी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम औरतें अहले किताब मर्दों से शादी नहीं कर सकती, लेकिन मुस्लिम मर्द अहले किताब की औरतों से शादी कर सकते हैं। उनके अलावा बाकी दुनिया की किसी भी मुशरिका खातून से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये आयत आम है। जितना एक्सेप्शन दलाइल में मिल रहा है उतना मानेंगे, बाकी अमूमी तौर पर उसूल यही है कि कोई मुशरिका खातून है तो उससे किसी मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता है, इसलिए उनसे शादी नहीं करना चाहिए। उम्मीद ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।